ये क्वेश्चन भी कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। इट सेज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम विच सेटिस्फाइज 3m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 30 लेसर देन 0। एलजेब्रा का क्वेश्चन था 3m स्क्वायर माइनस 21m प्लस 30 लेसर देन 0, ठीक है, इनइक्वालिटीज। तो सबसे पहले तो हमें इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। सो 3m स्क्वायर और 90 चाहिए तो 15 6 है, सो माइनस 15m माइनस 6m प्लस 30 शुड बी लेस देन 0। सो 3m यहां हो जाएगा m माइनस 5 माइनस 6 m माइनस 5 इज लेस देन 0। सो m माइनस 5 कॉमन ले लेंगे, दिस विल बिकम 3m माइनस 6 लेस देन 0, ठीक है। अब बाउंड्री वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी, देखिए m इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 3m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, अगर आप करेंगे तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये बाउंड्री वैल्यूज हो गई 5 एंड 2। तो आपका जो ये नंबर लाइन है ये तीन हिस्सों में बट गया, लेसर देन 2, इन बिटवीन 2 एंड 5, एंड ग्रेटर देन 5। फॉर ऑल द वैल्यूज ग्रेटर देन 5 दिस एक्सप्रेशन इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि 5 से बड़े नंबर के लिए ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। फॉर ऑल द वैल्यूज इन बिटवीन 2 एंड 5 दिस विल बी पॉजिटिव बट दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। 5 से छोटा अगर अपना 2 और 5 के बीच में अगर हम नंबर लेते हैं, तो सपोज कीजिए हमने m की वैल्यू ले ली 2 और 5 के बीच में, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव, ठीक है ना, 2 और 5 के बीच में, एंड दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए कि मैं वैल्यू ले लेता हूं 3, सो 3 माइनस 5 माइनस 2 हो जाएगा 4, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो जाएगा, तो दिस पार्ट विल बी नेगेटिव एंड दिस पार्ट विल बी पॉजिटिव। तो इस पूरी रेंज के लिए ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, ये जो है ये नेगेटिव हो जाएगा। फॉर लेसर देन 2 दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव एंड दिस विल ऑल्सो बी नेगेटिव, ठीक है ना। तो अगर लेसर देन 2 हुआ तो ये दोनों नेगेटिव, सो नेगेटिव इनटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब फॉर दिस रेंज आल्सो दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सवाल ये पूछा है कि नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब m 2 से 5 के बीच में होगा, 2 से 5 के बीच में, विच मींस हमारा आंसर हो जाएगा m इन बिटवीन 2 एंड 5, आंसर ऑप्शन सी। फॉर मोर सच वीडियोज on quant and various other topics, download Spark Video Bank app.